डंडे लगा रहे थे धोकर आ गई। हाँ जी धोकर आ गई। तो अभी लाइट जी मैंने बड़े वाली लगा दी है, अभी देखें इसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा होगा। ये बैठा है जी ऊपर मुंशी साहब। मुंशी साहब क्या हाल है? सही है, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी पहुंच चुका हूँ चक्की पे। आटा मुझे अभी अभी याद आया कि मैं गंदम देकर आया था और आटा जो अभी उठाया नहीं है। हाँ जी क्या हो रहा है? मिसाले काट रही हूँ। अच्छा असलकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, उसके बाद चलेंगे व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो अभी शाम का व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू आते हैं हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है। तो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे आपने देखा व्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, रेसिपी बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अभी हम बनाएंगे रेसिपी, आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं वो भी आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। और आपने वीडियो जो है आज की बिल्कुल सपेक्ट नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और नादिया का मैं काम आपको चेक कराता हूँ। ये देखें आ रही है ना सुकून सुकून से सिलेंडर लेकर और चूल्हा लेकर। हाँ जी, ये सूट कब आपने सिलाई किया था? ये गिफ्ट आया था, किसी सिस्टर ने भेजा था हाजरा के लिए। अच्छा ये हाज? हाँ जी। और ये ना, ये आज मैंने पहना तो ये मुझे पूरा है। अच्छा ये हाजरा के लिए था? जी बिल्कुल। माशाल्लाह फिर हाजरा तो 7 साल के, लेकिन इतना बड़ा सूट हाजरा। हाजरा इधर आ जाओ, हाजरा इधर आ जाओ, अभी हाजरा इधर साथ खड़ी हो जाओ अपनी मम्मा के साथ। ये जी हाजरा के लिए सूट आया था माशाल्लाह। अभी देख लें हाजरा को जो है ना बिल्कुल मेरे हिसाब से ना फिट होगा, है ना जी। सिस्टर जो है ना वो कैमरे में देखती होगी, लेकिन उसको नहीं, वो कभी नहीं, कभी हो जाता है अंदाजे की वजह से ऐसे हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने क्योंकि पहली बार आपने ये पहना है ना, इस वजह से मैं बात की है कि ये रखा हुआ था, मैंने कहा अगर काटू तो ये खराब हो जाए। हाँ ये खराब हो जाते हैं। तो हाजरा को जो है मैंने और सूट लेकर दिया था पिछली ईद पे, रमजान वाली ईद पर। आगे भी ईद आने वाली है, कितना सूट लेने हैं आपने? मैं? हाँ आप कितना सूट लोगी? पांच। पांच सूट लोगी? पांच सूट क्या करेगी? ऐसे तो प्यारे बहन भाइयों, अभी बच्ची कहती है कि पांच सूट मैंने। ठीक है हाजरा, क्योंकि पता है इसके कपड़े खत्म हो चुके हैं। तो मैं भी कह यही सोच रही थी कि जैसे ये मेरे हाथ में पैसे आएंगे ना, मैं हाजरा के लिए 5-6 सूट लेकर आऊंगी, क्योंकि गर्मी है ना वो पहनती रहेगी। अब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अपना क्या कहते हैं इब्राहिम वसीम वो तो सब का फिर ईद पे लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैं तो लूँगा नहीं। क्योंकि अभी जो है मैंने 2 सूट अभी अभी लिए हैं, एक जो मैंने पहना हुआ है, एक सूट जो है मैंने शायद 2-3 वीडियो में पहले पहना था ऐसे, 2 सूट वो है। और एक मैं जैसे ये उस्मान का कलर है ना, ऐसे कलर का भी एक मेरे पास सूट न्यू है, यानी कि 3-4 सूट मेरे पास हैं। लेकिन हो सकता है भी ईद पे अगर मैं ना ले सकूं, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना उनके लिए ये ईद क्या होती है, क्योंकि उन्होंने जो है कुर्बानी वगैरह बनानी होती है ईद वाले दिन। सिर्फ नमाज के लिए सूट अच्छा पहनकर नमाज अदा करनी है, नमाज अदा करने के बाद फिर तमाम बहन भाई जानते हैं कि ईद वाले दिन जो है कुर्बानियाँ होती हैं, फिर कुर्बानी पे चले जाते हैं अपना कुर्बानी करने के लिए, करने होते हैं। हाँ और उसके लिए ना हमें तो पुराने कपड़े वैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो पूरा ईद वाला दिन तो वैसे ही उधर लग जाता है। दूसरा दिन होता है, फिर उस दूसरे दिन में भी कोई काफ़ी होते हैं जो एक दिन नहीं कर सकते, दूसरे दिन करते हैं, फिर दूसरा दिन भी ऐसे, फिर एक आध दिन होता है, लेकिन वो तब तक के लिए ईद भी पीछे हो जाती है। तो इस वजह से जी मैं कोशिश करूँगा कि नहीं लूँगा, लेकिन बच्चों के तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ईद होती है, बच्चों के साथ ईद होती है। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह, जैसे भी अल्लाह पाक को मंजूर होगा वैसे होगा। कढ़ाई तो आपने रख दिया इसके ऊपर, इसके अंदर है क्या? पानी। ये पानी वाली रेसिपी बनाओगी आज क्या?
जो भी रेसिपी होती है उसमें पानी तो ऐड होता है ना? नहीं, सबसे पहले पहले पानी ऐड कर दिया। क्या बनाने वाली हो? मुझे तो पता चले ना, दाल बना रही हूँ। और क्या बनाऊंगी? कौन सी? मूंगी मसरी वाली दाल बना रही हूँ, क्योंकि पानी मैं इसलिए सबसे पहले ऐड करती हूँ, और मसाले वगैरह जो है वो बाद में ऐड कर देती हूँ। जैसा कि दाल गल जाती है अच्छे तरीके से, तो फिर मसाले भी ऐड करती हूँ, और लहसुन अदरक का तड़का लगा के वो भी डाल देती हूँ। चलो, तो मेरी दाल जो होती है वो रेडी हो जाए। सही हो गया। बैठा है जी ऊपर मुंशी साहब। मुंशी साहब क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपको कैसे बताया, बोतल आई है? नहीं, मैं बोतल के लिए तो नहीं आया, मैं वैसे देखने आया था कि सीढ़ी वगैरह की ना भराई वगैरह हो रही थी। अच्छा, तो मैंने देखा अभी देखते हैं भी क्या काम हो। नहीं नहीं, बोतल मैंने नहीं देखी। वो छुपा के आया था, उसको पता था कि कहीं ये आ भी ना जाए, लेकिन फिर भी अगर मेरे नसीब में थी तो मैं आ गया। अपना नसीब पिएगा, ये नसीब की बात है। अगर आपने पी लिया फिर भी बेहतर है। फ्रिज में रखी है, आपने दो मिनट बैठ जाना है, हम दो पैर सीढ़ी के लगा रहे हैं और बैठ कर बोतल पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बैठने वाली बात जो है ना, मिस्त्री मजदूर ठीक है। चलो सही है जी, अभी इधर बन रही है थी सीढ़ी, तो मैं देखने आया था। माशाल्लाह जी सही है जी, अभी उधर वाशरूम भी नीचे इसका सुकून से बन सकता है, बैठक वाला ना। हाँ, वो जहाँ पर वाशरूम की छत आएगी ना, उधर आपने वो बना दी बिल्कुल, जैसे वो फ्लेम एक जगह होती है, चौकी होती है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, क्या हो रहा है? मिसाले काट रही हूँ। अच्छा, दाल उबल गई? वो ना छोटी बाल्टी में ना पानी लेकर आओ, इसको मिसालों को धो लूँ मैं। दाल उबल गई? उबल रही है, लेकिन सिलेंडर को तो हवा लग रही है काफी ज्यादा। हवा लग रही है तो कहाँ पर रखूँ, कमरे के अंदर मुझे गर्मी होती है। ये गर्म कैसे होगी? गर्म होगी तो उबलेगी ना। इसमें पानी डालकर आओ। प्याज काट रही हो अभी? हाँ, प्याज काट रही हूँ, टमाटर भी रखे हैं, धनिया भी रखा है, सब्ज मिर्ची भी रखी है, वो भी काटनी है, फिर ये सब चीज़ें काट के ना डाल दूंगी उसके अंदर। चलो सही है। अभी जी पहुँच चुका हूँ चक्की पे। आटा मुझे अभी अभी याद आया कि मैं गंदम देकर आया था और आटा जो अभी उठाया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आटा लेकर आता हूँ। इधर वजन हो रहा है आटे का, कितना वजन था? 38 किलो। 38 पूरा दे रहे हो क्या? 35 किलो। 35 किलो चाहिए, 2 किलो का है। सही, तो इधर से जी आटा लेकर चलते हैं घर की तरफ, बाकी कभी लोग भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये चक्की का विजिट करा दूं। कैसे? हाँ जी, सामान वगैरह ले आए? हाँ जी। दूध भी ले आया? हाँ जी। ओके हो गया सारा काम? हाँ जी। दुआ सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जय बुरा खुश रहे, बात रहे, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल पूरा की तरह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे और शेयर कर दे। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो उसके बाद हमारे शाम का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। सोच क्यों रहे थे आधा घंटा? अभी देखें जी ये कौन बैठी है, कैमरा ऊपर करके देखते हैं। ये बहनी। हाँ जी, क्या कर रही हो इधर बैठकर? ये ना थूम की फलियां निकाल रही थी और अदरक की छिलाई की है। अच्छा, अदरक लहसुन? हाँ जी। तो दाल को कितनी एक देर है वो चेक करें, क्योंकि शाम हो गई है, अजाने हो रही है शाम की, लेकिन अभी तक आपका जो सालन है वो नहीं बना है। नहीं, अभी देखते हैं, चेक करें उसको। एक तो ये पता नहीं कहाँ से एड्रेस ले आई है। हंस क्यों रही है? चेक कर इसको, हंसने वाली बात नहीं है। इसके मिसाले शिसाले भी ऐड कर दिए? हाँ जी, एड्रेस नहीं होता, एड्रेस ड्रेस हो या ड्रेस हो हमें क्या।
हमने बात करनी थी कार दी बस यार, अभी ना थोड़ी सी देर है, ये ना कुछ गाड़ी हो रही है। अच्छा, और जैसा कि आपको पता है ना, आप ना वो रोटी के अंदर दाल मिक्स करके फिर खाते हो ना, तो मुझे ना ये थोड़ी सी ना पतली पतली तैयार करके रखनी होती है। वो आपको पता है कि हम ना सोबत बनाते हैं, हमारे जो अबू जान भी वो भी सोबत काफ़ी शौक से खाते थे और मैं भी शौक से खाता हूँ। और ये जो सालन के अंदर, ये रोटी के अंदर सालन डाल के ना जो हम मिक्स करके सोबत बना के खाते हैं ना, ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी ऐसे खाना पसंद करते थे। उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं देख रही, वैसे बस निगाह पड़ गई थी। दोबारा फिर कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, वो छुपे खड़े हैं देख। सही सही, चलो ठीक हो गया जी, फिर okay, गया। जैसे तैयार होती है रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फिर बाद में ना दिखाऊंगी बहन भाइयों को। फिर डंड का छोटा कहाँ उठा के लेके आ रही है? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ यार, ऐसे नहीं करो, डरा रही है मुझे। अभी भाग कहाँ रही है? इधर आना। क्या करने आऊं आपके नहीं, पास ये डंडा मुझे लगा रही थी। ऐसे मारूंगा एक। आ मुझे दे, मैंने ना इसको धोना है। मुझे तो दे, एक मिनट दे दे यार। अभी देख रहे जी, ये डंडा मुझे लगा रही थी ऐसे ऐसे नहीं, करके नहीं, वैसे तो मैं आप मजाक कर रही थी, कौन सा सीरियस में डंडे लगा करती है। डंडे लगा रही थी। अच्छा क्या ना, आप मेरा गला दबा रहे थे, मैंने आपका डंडा लगा लिया। ओ मुझे दिखाओ, कहीं सर से खून तो नहीं निकल आया? खून नहीं निकला, अभी देख लें। आपने जोर से लगा दिया ना डंडा सर में, ये मजाक मजाक में, मजाक में सर फाड़ दिया आपने। मैंने ना इस ये कपड़ा लगाया, अब क्या करें आपके साथ का, तो डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर को बुलाएं, पहले डंडा लगा दिया, अभी डॉक्टर को नहीं बुलाएं। यार मैं तो मजाक में लगाया था, आपको जोर से लग गया। ये देखिए अभी खून निकल रहा है, बह रहा है, ये देखिए आ रहा है नीचे, अभी एक मिनट बाद ये यहाँ पर होगा। नहीं ऐसा दूंगा अभी नहीं, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे मार दिया, बिल्कुल ऐसे मार दिया, चेक से जोर से, चेक से जोर से इन्होंने लगा दिया। वो मेरा ना अभी दिमाग घूमा हुआ है। नहीं आप मुझे तो दे, मुझे दे दे, मैं धो, मुझे दे दे। तो आपने ये सार में क्यों लगाया? ये ले जाए, अच्छी तरह धो के आए, और इसको भी ले जाए, ये भी धो कर आए। ओए अभी देख ले, फिर बाद में नहीं कहना मुझे आप ना अच्छी नहीं कर रही। आपको जोर से लगाया, ऐसा ऐसा लगाया, वही आप सोच ले, मैंने कहा फिर देखूंगा आपको थोड़ी देर, मेरा दिमाग थोड़ा घूमा हुआ, ये सेट हो जाए। आग जी माशाल्लाह जल रही है, अभी देख रहे हैं कि दाल हमारी जो है वो काफी बनती है, लेकिन लेट अंधेरा हो चुका है और रिजल्ट जो है वो भी हमारे मोबाइल का कम हो रहा है, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से। तो अभी वो धोकर आती है, फिर रेसिपी मुकम्मल बनाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कितनी देर में रेसिपी बन जाती है। धोकर आ गई? हाँ जी धोकर आ गई। तो अभी लाइट जी मैंने बड़े वाली लगा दी है, अभी देखें इसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा होगा, और इधर मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरा चेहरा भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। बड़े वाली लाइट जो कि हमने ली है, ये वाली, ये चल रही है अभी, इसको चलाया है, वो जो मेरी बैटरी सोलर है ना उसके ऊपर बिजली बना के चलाई है, तो अभी जो है रिजल्ट भी अच्छा आ रहा होगा। और कुछ जो क्या है, क्या है आप मार रहे हो? ये क्या किया आप, दोबारा से करना, ये पीछे से देखना क्या करती है, क्या किया था इन्होंने? तो ये कुछ भी नहीं करती है, तो आप देख रहे खुद। अकरम खाना आप मेरी बात सुन, हाँ बताएं। मैंने वैसे मजाक किया था और कुछ नहीं किया। तो सारे में डंडा जो लगाया है वो सीरियस ना हो, क्योंकि इब्राहिम मेरी बात सुनो, ये आपकी मम्मा है ना, ये आपकी मम्मा है, तो इन्होंने ना मुझे आज सर में डंडा मारा है, तो इन्होंने गलत किया ना? हाँ गलत किया है। आपने इसको कहो आख मम्मा अब्बू को डंडा नहीं मारना, कहो बोलो आख मम्मा अब्बू को ना बड़े बड़े डंडे से मारना है, बोलो आख नहीं बोलो
इब्राहिम बोलो नहीं, नहीं। हाँ वो सही कह रहा है, कहता है अब्बू को नहीं मारना। तो अभी इब्राहिम से बातचीत करते हैं जी। इब्राहिम इधर सीधे हो जाओ, आपसे बात। वाह, कहता है अच्छा भी लोग देखते रहे और चैनल को कहता है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। और इब्राहिम के माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फैन है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में हमारी वीडियो चल रही है और इब्राहिम को देखने वाली काफ़ी मेरी सिस्टरें हैं जो मेरी माँ जी की उम्र की हैं और माँ जी समझ लें। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि इब्राहिम से ना ज़्यादा से ज़्यादा बात किया करो और इब्राहिम का व्लॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करो। तो अभी इब्राहिम से बातचीत करनी है, तबीयत के बारे में पूछना है। इब्राहिम आपकी तबीयत कैसी चल रही है आजकल? बहुत अच्छी चल रही है ना। अच्छा तो आपने मक्खन खाना है? नहीं, ये मक्खन नहीं है, ये घी है। नहीं, कल मक्खन वाला आया था, मैंने मक्खन लिया। नहीं, मक्खन नहीं है, ये घी है। आपको और दिखाई नहीं दे रहा ये गाय का मक्खन जो है ऐसे? आप अपना काम करें ना, मैं इब्राहिम से बात कर रहा हूँ बस। बेटा ये घी है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके पापा का ये घी है बेटा। आप सबको ना जो आपको पसंद करते है ना, है इधर बात करो, ये जो आपको पसंद करते हैं सबको सलाम कर दो। अक सबको सलाम, सबको सलाम। हाँ, अक सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया, मेरे सलाम हो गया। हाँ, और उसके बाद इधर बीबी भी आ चुकी है। बीबी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मोबाइल देख रही हो? हाजरा ने मोबाइल उठाया हुआ है, वकार अहमद भी साथ बैठा है और उसके बाद हाजरा, बीबी, ये सब बच्चे इकट्ठे हो गए और इधर जो है ये मोबाइल चला रहे हैं। और इधर वसीम जो है वो भी पहुंच चुका है अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए और हांडी को जो है ना चम्मच लगा रहा है रेसिपी को। उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये मेरी मम्मा जो है ना अब्बू को मारेगी, इस वजह से वो हेल्प करा रहा है। आगे हमारा कौन सा व्लॉग बनता है वो भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कैसे? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी, आहिस्ता आहिस्ता जो है लहसुन की कुटाई हो रही है, अदरक लहसुन की, ताकि ये इससे बह न भाग जाए। गीली है ना, तो मैंने ये फलियां डाली है अंदर, तो जोर से कुटाई करूंगी तो ये निकल के बाहर चली जाएंगी, तो इस वजह से ऐसा। अच्छा एक बात मुझे बता दें, अगर ये हम पत्थर वाला ले लेते हैं जो पत्थर के नहीं बने होते, हाँ, अगर वो ले ले उसके साथ जो वो कुटाई करने वाला जो होता है वो भी पत्थर वाला होता है, अगर वो ले लें वो सही बेस्ट नहीं रहेगा? एकदम बेस्ट, क्योंकि उसमें रगड़े ही करना पड़ता है, वो जल्दी भी हो जाता है, वो मिल भी जाता है शहर। क्योंकि हमारा काम है रेसिपी वगैरह बनाते हैं तो वो हमें उसकी ना सख्त जरूरत है, क्योंकि उसको ना जैसे ही डालो, क्योंकि वो जो होता है ना ये डंडा, वो बारी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे एक दबाव चीज जो है ना वो खत्म हो जाता है। हाँ वो सही होता है मेरे हिसाब से, तो वो वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें ना एक तो काफी मसला बनता है और उसमें मसला कोई नहीं बनता। जैसा आपकी मर्जी। सही, डन हो गया, ओके हो गया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया क्या? मैंने बंद कर दिया। आपने बंद किया है जी। अभी जी दाल को लगाया जा रहा है, मंदना, मंदना लगाया जा रहा है और इसको अच्छी तरह से, हम मंदना कहते हैं लेकिन इसको कोटना भी कहते हैं। कोटना, हाँ जी। चलो कोटना हो या जो भी हो, फिर अभी इसको ये लगा के अच्छी तरह, फिर उसके बाद जो है लहसुन और अदरक का जो हमने रखा है पेस्ट, वो सारा जो है, प्याज मसाले वगैरह, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गई और जो है नमक, मिर्चें, घी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और जब ये उबल रही थी। हाँ, तो अभी जो है ये रेडी हो चुकी है, तो सिर्फ इसमें ना हमने लहसुन और अदरक को तड़का लगा के इसके अंदर डालना है, तो हमारी दाल हो जाएगी तैयार। सही हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है जी अभी तैयार हो चुका है और इसको अभी दाल में ऐड कर देंगे तो हमारी दाल की रेसिपी हो जाएगी जी मुकम्मल और वीडियो भी हमारी हो रही है मुकम्मल। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की जो वीडियो है तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी, क्योंकि ये शुगर मजाक तो हम करते ही रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर शुगर मजाक ना करे तो काफी बहन भाई कहते हैं कि ये ना बोरिंग है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, उन्होंने मेरे सर में डंडा मार दिया, थोड़ा सा गल्ला दबा दिया, थोड़ा सा डंडा लगा लिया, तो ये तो हमारी हंसी मजाक चलती रहती है। बहन भाइयों माइंड नहीं करना, लेकिन जो है ना ये हम लोग ऐसे ही आप लोगों की खुशी के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि आप तमाम बहन भाई जो देखने वाले हैं
बिल्कुल हैप्पी हो जाए हमारा व्लॉग देखकर। हाँ जी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी बिल्कुल। इस वक्त चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाजत। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सात बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।